महंगाई के विरोध में कांग्रेसी महिलाओं ने आज कानपुर में अनोखा प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले हुए प्रदर्शन में महिलाएं बेलन लेकर प्रदर्शन कर रही थीं। इस दौरान कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी कर अपना गुस्से का इजहार किया। इससे पूर्व महिला कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय तिलक हॉल में एकत्र हुई और जुलूस की शक्ल में बड़े चौराहे पर पहुंचकर महिलाओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी करिश्मा ठाकुर ने कहा कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, कोरोना काल में पहले ही लोग परेशान हैं और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसे में महंगाई का कहर उन्हें जीते जी मार रहा है। जब जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है, महंगाई की मार नहीं सहेंगे, महंगाई की मार नहीं सहेंगे, महंगाई की मार नहीं सहेंगे। देखिए आज महिला कांग्रेस शबनम आदिल जी की अध्यक्षता में यहाँ पर भाजपा ने जो महंगाई बढ़ा रखी है, चाहे पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, कड़वे तेल के दाम हो, आज घर में सब्जी लाने से लेकर तेल तक हर चीज़ महंगी कर दी गई है। महिलाएं जो गृहिणी होती हैं वो बहुत परेशान हैं। आज लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और योगी जी और मोदी जी चुप होकर बैठे हुए हैं। ये सरकार जिसने वादा किया था कि प्याज के दाम कम होंगे, फलों के दाम कम होंगे, तेल के दाम कम होंगे, आज निरंतर दाम बढ़ाए जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज महिला कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, बेलन लेके प्रदर्शन कर रही है ताकि योगी जी और मोदी जी का जगाने का काम हो सके। योगी मोदी सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि रसोई की मार हम लोग नहीं सहेंगे, ये महिलाएं नहीं सहेंगी। इस ये देश है कृषि प्रधान देश, और कृषि प्रधान देश में सरसों हमारे देश में होता है, और सरसों के बावजूद भी हमारा तेल 200 रुपया किलो बिक रहा है। और ये हम लोगों की बहुत ही निंदनीय बात है कि इस देश में जो चीज़ हो रही है, पैदावार हो रही है, वही चीज़ 200 रुपया, यानी कि पेट्रोल 100 रुपया है और सरसों का तेल 200 रुपया हो गया। इतनी महंगाई, दाल ले लीजिए, दाल 200 रुपये से ऊपर है, जितनी भी रसोई की चीज़ें हैं, आप गैस का चूल्हा ले लीजिए, गैस का चूल्हा आपको पहले 400 रुपये में कांग्रेस के सरकार में मिलती थी और आज के टाइम में 1000 रुपये में इसको मिल रहा है। चरम सीमा पे महंगाई इन्होंने बढ़ा दिया है, इनके कान पे जू नहीं रह गई, इसलिए आज हम लोग बेलन के माध्यम से और इस सरकार के सर पे मारने के लिए हम लोग आए हैं कि ये सरकार जागे और हम लोग इनको जगा रहे हैं। इस बेलन के माध्यम से महिलाएं हमारी सारी बेलन लेके आई हैं कि ये सरकार जागे और ये जाग के हम लोगों की महंगाई कम करे। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।